हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही मज़े में होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मुझे भी कभी कभी याद कर रहे होंगे। तो चलिए, आ गए हम वापस से आपसे मिलने के लिए। कहाँ थे हम और क्या आज स्टार्ट करना है? तो हम कर रहे थे हमारा चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 11 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कहाँ पहुँचे थे हम? तो हमने किया था 7.1 की परम्यूटेशन क्या होता है, उसमें कैसे अरेंजमेंट्स होती है, ठीक है। फिर हमने किया एक और लेक्चर अलग से आपको ये समझाने के लिए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली NPR, व्हाट इज़ द परम्यूटेशन, NP and R, मतलब R places के लिए, N persons या N things के लिए जो permutation होता है, what is exactly the N factorial is, NPR को short method में अगर लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं, all that, ठीक है। ये basic permutation था। अब आज जो हम करने वाले हैं, permutation में ही हम NPR का use करेंगे अगर कुछ calculation वाले sums आ जाए, या फिर उसके अलावा हम ये चीज़ें भी करेंगे कि हमें करना है कि भाई किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं अगर रिपीटेड परम्यूटेशन हो, अगर सर्कुलर परम्यूटेशन हो, क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बारी फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। क्या है हमारी फॉर्मूला? सो फॉर NPR इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारी फॉर्मूला थी, ठीक है। और इसमें क्या था बेसिक हमारा कंसेप्ट कि n बिलोंग्स टू n, r बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। ये आपका कंपलसरी कंडीशन था। अगर भूल से कहीं पे भी जीरो फैक्टोरियल आ गया सो वो था 1, ठीक है। अगर आपने लिखा हो n फैक्टोरियल विच इज 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, और दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n, और दिस इज n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1, जो भी आप तरीका चाहो आप यूज कर सकते हो। फिर ऐसा कुछ था कि अगर मैंने लिखा हो np2, सो व्हाट डज दैट मीन? स्टार्टिंग विथ n वी हैव टू राइट डाउन टू वैल्यूज इन अ डिक्रीजिंग मोड, ठीक है। तो डिक्रीजिंग मोड में इट इज n, n माइनस 1 दो वैल्यूज हो गई। अगर मैंने लिखा होता np4, सो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा हो 10p3, सो स्टार्टिंग विथ 10, डिक्रीजिंग मोड, 3 वैल्यूज कंसेक्यूटिव, सो इट इज 10 into 9 into 8, ठीक है। अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो सो दिस इज 720, मतलब जिस तरीके से भी आप देख सकते हो कि भी यहाँ पे जो भी आपको पूछा हो उस तरीके से आप उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हमें यूज करनी है फॉर द नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस। हम रिपीटेड परम्यूटेशन भी करेंगे लेकिन पहले देख लेते हैं हमारा आगे का इलस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट, देखते हैं क्या है उसमें। नाउ दिस इज इलस्ट्रेशन 12। आगे की जो इलस्ट्रेशन है उसमें रिपीटेड परम्यूटेशन जैसा कुछ है, सो वो हम करते हैं बाद में। पहले इलस्ट्रेशन 12, व्हाट इज एग्जैक्टली द गिवन थिंग इज कि np5 इज इक्वल्स टू 42 np3। np5 इलस्ट्रेशन 12, np5 इज 42 इंटू NP3, this is given as the question. What we have to do, हमें find करना है value of N, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? As NP4 मतलब 4 values थी, तो NP5 मतलब कितनी होगी? 5 values. किस कौन सी? Decreasing order, consecutive. So n-1, n-2, n-3 and n-4. ये होगी 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, equals to 42, np3, n से लेके 3 values n, n-1, n-2, अगर मैंने इस तरीके से formula place करी होती तो भी चलता, but वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता, so हमने directly sum कर लिया। So what if I am going to cancel out the values n, n-1, n-2, so this is n-2, into n minus 3
एंड एन माइनस फोर विच इक्वल्स टू 42। अब यहाँ पे ये देखिए कि एन माइनस थ्री एन माइनस फोर अगर मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ आएगा, लेकिन अगर मुझे सामने कंपेयर करना है 42, सो दिस आर द टू वैल्यूज। यहाँ पे भी 42 को टू वैल्यूज में लिख सकते हैं, सो इट इज 7 × 6 क्यू, टू वैल्यूज इन अ डिक्रीजिंग मोड, इन अ डिक्रीजिंग मोड, पॉजिटिव पॉजिटिव, कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव, सो एन माइनस थ्री इज गोइंग टू बी कंपेयर विद 7, अगर इसको 6 से कंपेयर किया वही होगा, सो व्हाट इज एन, एन इज 10, दिस इज योर आंसर। ये पूछा था आपको क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ एन। सिंपल, हम वो फैक्टोरियल के बदले डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस करते हैं, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, इसी का सेकेंड क्या दिया है, np4 अपॉन n माइनस 1 p4 इज इक्वल्स टू 5/3। 12 इलस्ट्रेशन 12 सेकेंड, np4 अपॉन n माइनस 1 p4 है या 3 है, विच इक्वल्स टू 4, विच इक्वल्स टू 5/3, एंड n इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है, n इज ग्रेटर देन 4। अब इसकी मैं कंडीशन बोल दूं आपको कि क्यों ऐसा दिया है, बिकॉज अगर भूल से भी n अगर 4 हो गया तो 4 माइनस 1 इज 3, एंड 3p4 ये एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज हमें पता है कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। अब r की वैल्यू खुद 4 है तो n की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे 4 पॉसिबल नहीं है, इट शुड बी n माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, तो वहां पे n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, मतलब 4 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो टेकिंग द वैल्यूज ध्यान से, स्टार्टिंग विथ n, 4 वैल्यूज n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, स्टार्टिंग विथ n माइनस 1, 4 वैल्यूज n माइनस 2, n माइनस 3, एंड n माइनस 4, विच इक्वल्स टू 5/3। अगर ध्यान से देखें तो कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही है, माइनस 1, माइनस 2, एंड माइनस 3, तो बचा n अपॉन n माइनस 4, which is 5/3, तो क्या होगा यहाँ पे, 3n is equals to 5n minus 20, so if I'm going to take 2n, 20, so what is the value of n, that is 10, simple, ये direct होगा इसका answer, ठीक है, बहुत easy, आपको क्या करना है, np4, मतलब n से लेके 4 values decreasing order consecutive, ठीक है, positive में ही जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने 7 and 6 लिखा, कुछ लोग बोलते हैं कि 21 and 2 क्यों नहीं आएगा, तो वो consecutive नहीं है, 14 and 3 भी consecutive नहीं है, but minus 6 and minus 7 क्यों नहीं आए, because हम negative में n को नहीं लेते, इसलिए 7 and 6 ही आएगा, ठीक है। Moving with the next, ये था illustration 12. So now the next one is, उन लोगों ने तो quadratic के हिसाब से solve कराया, but हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, next, yes, 13, which is 5 × 4 pr, 13th, 5 × 4 pr, ऐसा दिया है, 5 अलग है, ठीक है, equals to 6 × 5 pr − 1, ठीक है, हमें यहाँ पे find करना है value of r, what we have to find out value of r। अब जैसे कि ये वाला sum था np5 या np3, मतलब n भले ही unknown था, लेकिन we already knew that how many places have been asked, मतलब 5 places हैं, 3 places हैं, यहाँ पे 4 places था, लेकिन यहाँ पे तो number of places ही नहीं पता है हमें, तो अब अगर आपको number of places नहीं पता है, तो क्या करोगे, compulsory we have to place the formula, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे formula place करा, ध्यान से, 5 as it is, 4 pr, if I am comparing with npr, so n factorial upon n minus r factorial, इसी हिसाब से this is 6 × ये हो रहा है आपका 5 factorial 6 as it is, ठीक है, ये हो जाएगा
फाइव माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने जैसे ये सिखाया आपको n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n मतलब होता है n फैक्टोरियल, तो उस हिसाब से फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल इज फाइव फैक्टोरियल, मतलब दिस इज फाइव फैक्टोरियल। नाउ दिस इज फोर माइनस आर फैक्टोरियल एंड द राइट साइड वैल्यू इज, ध्यान से देखिएगा, सिक्स माइनस आर। सो इट इज सिक्स माइनस आर, मैं जो कर रही हूँ वो देखिएगा, फाइव माइनस आर इंटू फोर माइनस आर फैक्टोरियल। क्या लिखा मैंने, ये फोर माइनस आर था, ये हुआ सिक्स माइनस आर। अब फोर माइनस आर एंड सिक्स माइनस आर में बड़ा हुआ सिक्स माइनस आर बाय हाउ मच वैल्यू, कितनी वैल्यूज, तो वो दो वैल्यू से बड़ा हुआ, तो सिक्स माइनस आर, उसके बाद एक घटाने के बाद फाइव माइनस आर, ठीक है, उसके एक घटाने के बाद फोर माइनस आर जो कि है हमारे पास, सो वी कैन कैंसल आउट फोर माइनस आर फैक्टोरियल, तो बचेगा क्या, फाइव फैक्टोरियल कैंसिल, ये वाला टर्म, फोर माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचेगा, दैट सिक्स माइनस आर इंटू फाइव माइनस आर विच इक्वल्स टू सिक्स। बट अब हम वहीं जाके रुक गए जहां से हमने स्टार्ट करा था कि जब भी ऐसे कोई वैल्यूज आती है हम फैक्टराइज करते हैं, सिक्स माइनस आर एंड फाइव माइनस आर, तो बड़ा कौन है, सिक्स माइनस आर, तो उस हिसाब से दिस इज सिक्स, तो वो हो गया थ्री इंटू टू, नॉट सिक्स इंटू वन, नॉट टू इंटू थ्री, नॉट माइनस टू इंटू माइनस थ्री, ये हो गया थ्री इंटू टू। सो अगर करा हमने कंपेयर तो क्या होगा यहाँ पे, सिक्स माइनस आर इज थ्री, तो आर इज गोइंग टू बी थ्री। अगर आपने भूल से वो दूसरा वाला कंपेयर करा फाइव माइनस आर इज टू, तो भी आर हो जाना है थ्री। एक बार हम सोचेंगे कि ये थ्री प्लेस करने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो फोर पी थ्री, यस ये हो सकता है, फाइव इंटू पी, फाइव पी, ये क्या हो रहा है, आर इज थ्री, सो फाइव पी टू, यस ये भी हो सकता है, तो ये हो गया हमारा सम, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था इलस्ट्रेशन 13। नेक्स्ट ऐसे कैलकुलेशन वाले सम्स, यस एक्सरसाइज 7.3 में है कैलकुलेशन वाले सम्स, विच इज सिक्स्थ नंबर n माइनस वन पी थ्री, सेवन पॉइंट थ्री, क्वेश्चन सिक्स, n माइनस वन पी थ्री अपॉन एन पी फोर विच इज वन अपॉन नाइन, वी हैव टू फाइंड आउट n, ठीक है। अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं, n माइनस वन पी थ्री एन पी फोर इज इक्वल्स टू वन अपॉन नाइन। अब आप ही सोचो कि n माइनस वन पी थ्री मतलब स्टार्टिंग विथ n माइनस वन कितनी वैल्यूज पूछी गई हैं आपसे, तीन, सो n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, दिस इज n से लेके चार वैल्यूज, n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, this is 1 upon 9, so we can see that n minus 1, 2, 3 will be cancelled out and directly it is clear that n is going to be 9 because 1 upon n, 1 upon 9, so obviously 9 ho jayega aapka n, theek hai. Moving with the next, ye tha question 6, question 7 bhi aisa hi kuch hai, dekhte hain kya hota hai 7 mein. Question 7 first, which is 5PR is equals to twice into 6PR minus 1, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, मतलब इस तरीके से R वाला सम है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे 5PR which is NPR, so N factorial, N minus R factorial, exactly ditto इसी तरह, ठीक है, which equals to 2 as it is, this is n factorial upon n minus r, मतलब उस तरीके से 6 minus r plus 1 हो गया। अब ध्यान से
मैं जो कर रही हूँ यहाँ पे वो ध्यान से देखिएगा, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज एज इट इज, दिस इज 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मैंने करा स्प्लिट, क्यों, बिकॉज 6 फैक्टोरियल इज 1 2 3 4 5 6, 6 अगर मैंने स्प्लिट कर दिया तो बचा 1 2 3 4 5 व्हिच इज 5 फैक्टोरियल, देन दिस इज 7 माइनस आर, सो अगर हम एक एक घटाते जाए 7 माइनस आर 6 माइनस आर तो बचेगा उसके बाद 5 माइनस आर फैक्टोरियल की साइन भूल मत जाना, सो 5 माइनस आर फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा 7 माइनस आर 6 माइनस आर विच इज 2 इंटू 6 इज 12, अगेन टू वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज डिक्रीजिंग वैल्यूज, सो ऑफकोर्स दैट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 नहीं होगा बिकॉज ये बड़ा है, सो कंपेरिजन करेंगे, सो वॉट इज 7 माइनस आर 4, सो आर हो जाना है 7 माइनस 4 विच इज 3, as simple as that, सारे sums same method वाले मैंने साथ में किए हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आपको और कोई भी सम पूछा गया हो इसी टाइप का तो ऑब्वियसली अब आपको वो समझ में आएगा, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन था परम्यूटेशन की फॉर्मूला के हिसाब से। अब जो हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रिपीटेड परम्यूटेशन, क्या बोलते हैं उसको, रिपीटेड परम्यूटेशन। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि सपोज आई एम गोइंग टू गिव यू अ नेम, फॉर एग्जाम्पल तेजस, ठीक है, अब ये तेजस अगर मैंने नाम लिखा है तो इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं आपके पास वो लेटर्स में क्या है, टी E, J, A, S, डिक्शनरी ऑर्डर doesn't make a difference अभी इस टाइम पे, बट सारे के सारे लेटर्स सिंगल टाइम यूज हुए हैं, मतलब नो रिपीटेशन, सो नो रिपीटेशन, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसा पूछा है कि यूजिंग ऑल लेटर्स हाउ मैनी 4 letter words are there, अब जैसे हमारे पास letters कितने हैं, T, E, J, A, S, मतलब हमारे पास letters 5 हैं, but मैंने आपको पूछा है sum में 4 letter word बनाना है, इस टाइप के sums आपको textbook में नहीं दिए, मैं अपने आप से ही सिखा रही हूँ आपको, so 4 letter word बनाना है, मतलब 1, 2, 3 and 4, that is no condition, T होना चाहिए first या A होना चाहिए, J होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया है, मतलब now for the first place 5 possible ways, ठीक है, so now for second place क्या आएगा, 4 possible ways, obviously repetition नहीं है, ऐसा बोला भी है question में, so एक कम होता जाएगा, now for the third place क्या आएगा, 3 possible ways, ठीक है, अगर मैंने लिखा fourth place तो fourth पे आएगा 3 minus 1, 2 ways, so answer आना है 5 into 4 into 3 into 2, but मैंने लिखना है ऐसा कुछ, क्यों, जैसे कि 5 से start हुआ, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, मतलब starting with 5, I have written 4 values consecutively in a decreasing order positive values, so this is called 5P4, or we can say we have to arrange 5 letters in 4 places, so it is 5P4, तो ये भी हम directly लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको अपने पुराने वाले तरीके से समझाया कि फर्स्ट प्लेस के लिए सेकंड प्लेस के लिए, लेकिन अगर ऐसा आपको ही डायरेक्टली सम आएगा तो हम लिखेंगे 5P4 या NPR, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, सो नाउ दिस इज 20 इनटू 6 व्हिच इज 120 वेज टू फॉर्म 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स ऑफ तेजस, ठीक है, अगर सेम सम आपको पूछा हो, सेम सम,
ठीक है, अगर आपको पूछा है ध्रुव, अब ये जो ध्रुव नाम मैंने लिखा है आप ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा सोचिए कि जब आप स्कूल में जाते हो आपका वो अटेंडेंस होता है, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, अगर किसी लड़के का नाम है लालू, ठीक है, किसी लड़के का नाम है लालू और किसी लड़के का नाम है, चलिए किसी लड़की का नाम लेते हैं लाली। अब ये लालू और लाली एक ही क्लास में है, जो अटेंडेंस रजिस्टर बनता है वो नॉर्मली अल्फाबेटिकली बनता है। अब अल्फाबेटिकली कोई भी रजिस्टर बनता है तो वो लोग क्या करते हैं कि या तो नाम के हिसाब से या तो फिर सरनेम के हिसाब से वो लोग रजिस्टर बनाते हैं। हमें सरनेम वनेम कुछ नहीं पता है, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ लालू या लाली क्या दिया है वो देखते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर अल्फाबेटिकली सोचे तो अल्फाबेटिकली A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, उसमें से कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली L है, मतलब अभी पहला लेटर दोनों का इक्वल है। अगर किसी का नाम लालू है और किसी का नाम बाबू है तो ऑब्वियसली बाबू पहले आएगा, क्यों, बिकॉज A, B, तो B पहले आया तो बाबू विल बी फर्स्ट। लेकिन अगर लालू एंड लाली के लिए सोच रहे हो तो दोनों का फर्स्ट इक्वल है, दोनों का सेकंड लेटर वो भी इक्वल है, फर्स्ट इक्वल हो रहा है तो वो लोग सेकंड देखेंगे, सेकंड इक्वल है तो वो लोग थर्ड देखेंगे, मतलब एल एंड एल तो वो भी इक्वल है। तो अब बारी है यू एंड आई की, तो यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्या होता है, यू एंड आई मतलब ये दो लेटर्स में से अगर हम ये सोचे कि भी अल्फाबेटिकली पहला लेटर कौन सा आता है तो हमारे दिमाग में भी पहले आई आता है और अल्फाबेटिकली भी पहले आई आता है, एक्चुअली आना चाहिए यू, लेकिन जिंदगी में हर दम हर जगह पे पहले आई आता है वो नहीं आना चाहिए। तो पहले आया आई मतलब पहला नंबर आएगा लाली का एंड दूसरा नंबर आएगा लालू का, ठीक है। लड़कियों को हमेशा ऐसा होता है कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे उससे ज्यादा अच्छा दिखना है, मुझे उससे ज्यादा स्लीम दिखना है, मुझे उससे ज्यादा स्मार्ट दिखना है, ज्यादा स्टाइलिश दिखना है, ठीक है, मेरे बाल ऐसे लगने चाहिए, मेरा चेहरा ऐसा लगना चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है। मुझे भी थोड़ा बहुत तो होगा ही, ठीक है, लेक्चर में तो नहीं करते बट फिर भी। सो मतलब लाली विल बी फर्स्ट, क्यों, बिकॉज उसमें आई आया और उसमें यू था। अगर आई के बदले यहाँ पे ए आ जाता, ठीक है, सपोज ऐसा सोचते हैं कि लालू में लाला हो जाता, ठीक है, तो अगर वो लाला हो जाता तो वो ए आता, तो ए वुड बी फर्स्ट। मतलब अल्फाबेटिकली अगर हम डिसाइड करें तो हमें ये देखना है कि भी लेटर वाइज किसका कौन सा नंबर है। तो उसी हिसाब से अगर मुझे ये सोचना है कि ध्रुव में मुझे अल्फाबेटिकली इन सबको अरेंज करना है, ठीक है, सो अगर हम ये सोचे कि कितने लेटर्स हैं, सो वी आर हैविंग फाइव लेटर्स डी एच आर यू वी, ये वाले सम में अगर मैंने ऐसा लिखा होता डिक्शनरी ऑर्डर तेजस के लिए, ठीक है, तो क्या आ जाता ए ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे K L M N O P Q R S T, मतलब अगर मुझे कोई वर्ड बनाना होता फाइव लेटर का, सो आई वुड हैव स्टार्टेड विथ A, उसके बाद E, उसके बाद J, उसके बाद S, उसके बाद T। तो ठीक उसी तरह अगर मुझे चाहिए ध्रुव के लिए, सो उसमें ग्रामेटिकली दिस वर्ड इज सो मिस्टीरियस, ये वर्ड में ऐसा है कि भी जो भी लेटर्स अरेंज करे हैं ए बी सी डी वाइज सेम है अल्फाबेटिकली ए बी सी डी। सो अगर मैंने डिक्शनरी ऑर्डर लिखा, सो डी इज द फर्स्ट, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर S, T, U and V. So this itself is the first order. मतलब जो भी पहला नाम बनेगा, अगर इसमें मैंने आपको ये पूछा होता first word,
फर्स्ट वर्ड फॉर फाइव लेटर्स अगर ये पूछा होता तो वो आ जाता AEGST. ठीक है, ये आपका फर्स्ट वर्ड होता, मीनिंग या विदाउट मीनिंग कुछ भी चलेगा. तो उसी तरीके से इसमें अगर मुझे फर्स्ट वर्ड चाहिए, सो फर्स्ट वर्ड इज ध्रुव इटसेल्फ, मतलब ध्रुव नाम के लेटर्स को रीअरेंज करके फाइव लेटर के बाकी के वर्ड्स भी बनाए जाए तो उसमें भी ध्रुव विल स्टैंड फर्स्ट. ठीक है, अगर मुझे लास्ट चाहिए तो बहुत सिंपल, जैसे यहां से हम गए तो जो सीधा ऑर्डर है वो फर्स्ट, तो ऑब्वियसली लास्ट के लिए ये उल्टा वाला ऑर्डर इज लास्ट. मतलब व्हाट वुड बी द लास्ट वर्ड, VURHD. ठीक है, सेम वे इसी इसमें कि अगर मुझे लास्ट वर्ड चाहिए तो लास्ट वर्ड कौन सा होगा, TSJE A. ठीक है, अब कितने वर्ड्स टोटल बनेंगे, तो टोटल कितने लेटर्स हैं, फाइव. इसमें भी ये भी मैंने फाइव वाला लिया था, फाइव लेटर वर्ड विथ फाइव लेटर्स, सो 5P5. किस तरीके से पांच लेटर्स को अरेंज करना है पांच प्लेसेस में, विच इज 5×4×3×2, विच इज कॉल्ड 5 factorial. किस तरीके से, उसका भी एक प्रूफ है. अगर मैंने लिखा NPN, सो फॉर्मूला इट इज N factorial upon N minus N factorial, विच इज 0 factorial इज 1. सो आंसर आना है N factorial. मतलब 5P5 का आंसर क्या आएगा, 5 factorial. 6P6 होता तो 6 factorial. मतलब ये हो गया आपका डिक्शनरी ऑर्डर. ठीक है, तो डिक्शनरी ऑर्डर वाइज ध्रुव आएगा फर्स्ट. अब अगर हम यही नाम को लेके आगे बढ़ते हैं, चलिए एक काम करते हैं, मैं दूसरा एक नाम ले लेती हूं. मैं अभी थोड़े छोटे छोटे नाम ले रहे हूं इसलिए, बिकॉज अगर बहुत लंबे नाम हो गए जिसमें रिपीटेशन ना हो, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, जिसमें रिपीटेशन नहीं होता कोई भी लेटर का, बिकॉज हम रिपीटेशन वाला नहीं सीखे हैं. अगर मैंने ले लिया होता हॉस्पिटल्स, तो उसमें भी हॉस्पिटल नॉट एस हॉस्पिटल, तो रिपीटेशन नहीं होगा. लॉगरिदम्स या लॉगरिदम, तो उसमें भी रिपीटेशन नहीं होगा. मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें रिपीटेशन नहीं है, और अगर आप कर रहे हो तो लंबा, मतलब बहुत ही प्रोसेस लंबी हो जानी है. अब मैंने ले लिया है ये वर्ड, बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा छोटू सा नेम है मेघ. ठीक है, अब ये नेम में आप ये देखिए कि हाउ मेनी लेटर्स, 4 letters. अगर मुझे इन्हीं को रीअरेंज करना है, rearrange and find order. अब ये क्या पूछा है, किसका order, कैसा order? ठीक है, order ऐसा order क्या पूछा है ये आपको, तो ये चीज पूछी है कि भी मेघ लेट, मतलब मेघ वाले वर्ड में से MEGH ये letters को rearrange करके shuffle करके पहले तो आप कितने words बना सकते हो. ठीक है, सो 4 letters 4 places, मतलब अगर पूछा हो टोटल वर्ड्स 4P4, ठीक है, विच इज 4 factorial, विच इज, ये अभी मैं आपके लिए लिख रहे हूं वरना अब मैं डायरेक्टली 24 लिखूंगी. 4 factorial is 24, 3 factorial is 6, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720 एंड ऑल दैट. ठीक है, तो उसी हिसाब से अब मुझे देखना है इसका डिक्शनरी ऑर्डर. So, अगर मैंने लिखा डिक्शनरी ऑर्डर, सो ABCDEFGHIJKLM, मतलब दिस इज द डिक्शनरी ऑर्डर. अब डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये सम को. ठीक है, अगर मैंने डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से स्टार्ट करा तो पहला लेटर आएगा ई. अब मुझे जो नाम चाहिए दैट इज मेघ, तो मेघ के लिए कंपल्सरी एम शुड बी देयर एट द फर्स्ट प्लेस. हमारे पास अभी ई है फर्स्ट प्लेस पे, विच इज नॉट वैलिड, मतलब आई एम नॉट इवन गोइंग टू द सेकेंड प्लेस, बिकॉज ये मेरे काम की चीज नहीं है, तो मैं आगे भी क्यों बढ़ू. जिस गांव जाना ही ना हो उसका रास्ता क्यों पूछना, हमें जाना ही नहीं है ई वाले वर्ड्स में, वो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे एम वाले वर्ड्स चाहिए. मतलब जब तक एम नहीं आएगा हम आगे नहीं जाएंगे. मतलब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पहले प्लेस पे एम लाइए.
अब कौन है? ई, वो हमें चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब आपके क्लास में सपोज ऐसा सोचिए कि 20 या 25 लड़कियां हैं, आपको कोई एक लड़की भाग गई, ठीक है, वो आपको स्माइल नहीं दे रही है, लेकिन बाकी की सारी लड़कियां आपको स्माइल दे रही है, तो आप जाओगे? नहीं जाना है, बिकॉज आपका एम क्या है? वही वाली लड़की। मतलब यहाँ पे हमारा एम क्या है? एम, एम शुड बी देयर एट द फर्स्ट प्लेस। तो जब तक एम नहीं आएगा हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। मतलब ई अगर फिक्स हो गया तो बाकी के तीन प्लेसेस के लिए जी एच एम विल बी देयर। थ्री प्लेसेस, थ्री लेटर्स, अगर उनको अरेंज करा सो वी कैन सी 3P3 विच इज कॉल्ड 3 factorials। मतलब 6 words बनेंगे, 3 factorial मतलब 6। अगर मैंने उसके बाद ले लिया जी, सो अब मुझे जी भी नहीं चाहिए फर्स्ट प्लेस में, सो हम इसको भी छोड़ देंगे। सो 3P3, तो इसके भी वर्ड्स बनेंगे 6। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से 6 बनेंगे, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे GHM, GMH, फिर H को फिक्स करके GMMG, फिर M को फिक्स करके HNG, NGNH। ठीक है, उस तरीके से आप देख सकते हो। तो सिमिलरली जी वाले वर्ड्स नहीं चाहिए। अब टर्न आएगा एच का, जाना तो कंपलसरी टर्न बाय टर्न है, यू कांट डायरेक्टली जंप ऑन टू द एम, आपको टर्न बाय टर्न ही जाना है। मतलब जो भी रास्ते में आ रहा है आपको गिनना है कि आपने कितने ऑप्शंस छोड़ दिए हैं। सो नाउ अगेन फॉर एच इट विल बी 3 letters, 3 places, 3P3 विच इज 6। अब आएगा हमारा M। If M has been fixed at the first place, मतलब हमें जो चाहिए वो आ गया, yes। तो उसके बाद again we have to start with the first letter, वो जो मैंने लालू लाला लाली सिखाया था उसी तरीके से, कि L similar था, then we have jumped on the second letter, फिर second में A similar था, तो third letter, उसमें L similar था, तो हम गए U and I में, तो same way यहाँ पे M is there, तो M अगर fix हो गया है, तो starting with first letter, कौन सा है? E, क्या मुझे मेरे नाम में E चाहिए? Yes, it is there, मतलब ये भी fix हो गया। Similarly, E के बाद मुझे चाहिए, मतलब आ क्या रहा है? G, और चाहिए भी क्या? G, मतलब ये G भी fix हो जाएगा, because E के बाद compulsory G आता है। फिर G fix हो गया, तो आएगा कौन? H, मतलब EGH on second, third and fourth place directly, because वही order मुझे चाहिए और वहां पे भी वही order है। तो ये कितने words बने? एक word बना, ठीक है, बाकी के जो वर्ड्स बनेंगे, मतलब इसमें भी 6 words बनेंगे M वाले, लेकिन उसमें से पहला बना MEGH, बाकी जी एच को शिफ्ट करके एच जी, या ई के बदले जी, ई के बदले एच, वो भी हो सकता है। तो उस हिसाब से बिफोर मेघ 6 plus 6 plus 6 18 words, सो नंबर और वी कैन से ऑर्डर ऑफ मेघ is 18 plus 1 which is 19th word। अगर आपको ये पूछा हो कि make ये बन रहे 24 words में, 24 words were supposed to be there, ठीक है, तो वो जो 24 words हो रहे हैं यहाँ पे possible, उसमें से make कौन से number पे है? So make is there with the 19th number। हमने यही करा था ध्रुव के लिए कि आउट ऑफ 120 वर्ड्स, ये 5 फैक्टोरियल मतलब कितने वर्ड्स हो गए 120, उसमें से ध्रुव कौन से नंबर पे है? सो ध्रुव इज देयर विद द फर्स्ट प्लेस डायरेक्टली, बिकॉज वही का वही हो रहा है, ठीक है। सो नाउ एक और हम सम करेंगे, पहले ये सब देख लीजिए। पहले हमने क्या किया, तो हमने फॉर्मूला के हिसाब से जो हमें सम्स दिए थे n फैक्टोरियल या npr, np4, np2, उस हिसाब से हमने सम करे। फिर हमने ये देखा कि अगर रिपीटेशन के बिना कोई वर्ड्स अगर आपको दिए हैं, तो उसमें डिक्शनरी ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से आप फैक्टोरियल यूज कर सकते हो, 5p4 या यहाँ पे 5 factorial, यहाँ पे 4 factorial। सो ये हमारी सिंपल सी मेथड है। एक और सम हम करेंगे
कि अगर तेजस वाले में मुझे ऑर्डर फाइन करना है कि कौन सा ऑर्डर आएगा, लेट्स सी किस तरीके से होता है। ये जो डिक्शनरी ऑर्डर वाले सम हैं, वो नॉर्मली JEE में बहुत बारी पूछे गए हैं, बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये डिक्शनरी ऑर्डर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपकी टेक्स्ट बुक में उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। हम थोड़े बड़े भी वर्ड्स लेंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग हमने छोटे वर्ड्स से किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं चलिए अब नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा सम, तो हम लेंगे यही तेजस वाला एग्जाम्पल। क्या था तेजस वाले एग्जाम्पल में, या फिर कोई अगर दूसरा भी अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड हमें ढूंढना पड़ेगा जिसमें रिपीटेशन ना होता हो। सो चलिए सपोज मैंने ले लिया कोई एक और वर्ड जिसमें रिपीटेशन ना होता हो। नॉर्मली सौम्या का स्पेलिंग होता है SAUMYA, मैंने जानबूझ के इधर SOUMYA लिखा है सो दैट द रिपीटेशन इज नॉट देयर, ठीक है। अब ये वाले सम्स में आप ये देखिए कितने लेटर्स हैं पहले हमारे पास, 6 लेटर्स। अगर मुझे पूछा है 6 प्लेसेस का ही एक दूसरा वर्ड बनाना है, सो टोटल पॉसिबल वर्ड्स इक्वल्स टू 66 विच इज 6 फैक्टोरियल, मतलब 720 वर्ड्स आर इन मेकिंग। ये काइंड ऑफ एक हम डिक्शनरी बना रहे हैं 6 लेटर्स के वर्ड्स की। आई एम नॉट टेकिंग 5 लेटर्स 4 लेटर्स, वो तो 6P5 6P4 6P3 उस तरीके से होगा। हमने सिर्फ अभी 6 के 6 यूज करके यहाँ पे ये वर्ड के लिए टोटल वर्ड्स कितने बने 720 विथ और विदाउट मीनिंग, कुछ भी मीनिंग हो चलेगा। तो यहाँ पे अगर अब हम देखें कि डिक्शनरी ऑर्डर क्या है, फॉर डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, क्या है आपका डिक्शनरी ऑर्डर। सो ए, यस इट इज देयर, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। मतलब हमारे पास पहला लेटर आ रहा है ए, मुझे जो नाम चाहिए उसमें फर्स्ट लेटर है हमारा एस, मतलब जब तक एस नहीं आएगा मैंने आगे नहीं जाना है। ये कैसा है कि हमारी मांगे पूरी करो, अगर ये होता है तो ही हम ये करेंगे, उस तरीके का है, ठीक है, कि अगर एग्जाम आती है तो हम पढ़ते हैं वरना हम नहीं पढ़ते। तो एग्जैक्टली लाइक दैट कि अगर ए आता है तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम कब तक आगे नहीं जाएंगे जब तक एस नहीं आ जाता। तो सेम वे स्टार्ट करते हैं ए से, वी नीड एस ऑन द फर्स्ट प्लेस, सो बाकी रह गए 1 2 3 4 5। अगर मैंने ए ले लिया तो बचे 5, जगह भी 5, सो बनेंगे 5P5, मतलब 5 फैक्टोरियल माने 120 वर्ड्स जो हमारे काम के नहीं है। सेम वे उसके बाद आना है एम को, तो अगेन 1 2 3 4 5, जगह 5, बने लेटर्स भी 5, सो 5P5 विच अगेन इज 5 फैक्टोरियल, ये 120 भी मेरे काम के नहीं है। फिर आएगा
O, 1, 2, 3, 4, 5, which is 5P5, वापस से 5 factorial, ये 120 भी मेरे काम के नहीं है। अब कहीं जाके आएगा S, मतलब S हमें चाहिए था वो आ गया, तो अब हम स्टार्ट करेंगे S के बाद से। अगर एक बार जो लेटर आपको चाहिए, you are getting the letter, मतलब you have to go further into that, मतलब इसी में आपको अंदर की अरेंजमेंट्स देखनी है। सो 1, 2, 3, 4, 5 इफ एस हैज बीन फिक्स्ड, सो नाउ अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद डिक्शनरी ऑर्डर। सो ए, अब ये डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से अगर हम सोचे तो ए हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ओ। मतलब जब तक अब ओ नहीं आएगा, एस फिक्स हो चुका है, अब एस आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मैंने लिया ए लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, सो बाकी के एम ओ यू वाई से, विच इज 4 letters 4 places, सो अब ये 24 बने, वो मेरे काम के नहीं है बिकॉज एस फिक्स हो चुका है, तो 120 नहीं बनेंगे बिकॉज हम आगे जा चुके हैं। तो उसके बाद वापस एस फिक्स हम लेंगे ए के बाद एम, वो भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें एम चाहिए नहीं, मतलब 1, 2, 3, 4 विच अगेन इज 4P4 विच इज 4 factorial विच इज 24। उसके बाद एस फिक्स, अब अगर हमें एम नहीं चाहिए तो नंबर आएगा ओ का, तो अब हमें ओ चाहिए, यस वी नीड ओ ऑन द सेकेंड प्लेस। तो अगर ओ चाहिए मतलब दैट हैज बीन फिक्स्ड, जो फिक्स हो जाता है उसको कट कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से सम हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आया कि एस फिक्स हो गया, ओ फिक्स हो गया, सेकेंड प्लेस फिक्स हो गया। मतलब ये क्या हुआ कि जैसे कि आप किसी को मिले पहली बार आप गार्डन में मिले, ठीक है, तो आप दूर दूर बैठते थे, फिर आप बहुत बारी मिलने के बाद एक ही बेंच पे बैठने लगे, तो आपने थोड़ा सा उनको टच करा, फिर थोड़ा थोड़ा टच चालू है, फिर ऐसा कुछ हुआ कि गार्डन में कोई नहीं है, तो आपने धीरे से हाथ पकड़ लिया, मतलब आपको सिचुएशन देख के आगे बढ़ना है एंड यू ऑल आर टोटली अवेयर ऑफ इट, आपको पता है कि कब हमें आगे बढ़ना है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट एस आ गया, ओ आ गया, सो नाउ वी कैन गो फर्दर बिकॉज हमारी मांगे पूरी हो रही है, हमें एस चाहिए था, ओ चाहिए था। सो अब वापस नंबर किसका आएगा, अब वापस आएगा ए। अब ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ेगा जब तक उसका नंबर नहीं आ जाएगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब ए मुझे चाहिए नहीं, आई डोंट नीड ए, तो अब ये 3 place पे मैं क्यों जाऊँ, मुझे चाहिए ही नहीं वो। सो दैट इज 3P3, मतलब ये 6 words भी मेरे काम के नहीं है। एक और चीज अगर आपने नोटिस करी हो तो कि मैंने जहां से कोई भी कैलकुलेशन छोड़ी है सेम प्लेस पे नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करी है, मतलब फर्स्ट प्लेस पे छोड़ा तो फर्स्ट पे स्टार्ट किया, फर्स्ट पे छोड़ा फर्स्ट पे स्टार्ट किया, ये सेकंड पे छोड़ा सेकंड पे स्टार्ट किया, अब ये मैंने थर्ड पे छोड़ा है तो हम थर्ड पे ही स्टार्ट करेंगे। ए के बाद कौन आएगा, एम, मुझे एम नहीं चाहिए, मतलब 3P3, 3 factorial, which again is 6. अब आएगा, बहुत ही बकवास नाम लग रहा है सम करके आपको, ठीक है, नाम भले कितना भी अच्छा हो लेकिन एक बार ऐसा सम आप कर लो फिर जिसका भी नाम हो आपको कतई पसंद नहीं आने वाला, ठीक है, होता है। तो क्या होगा, एस ओ, एम आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो अब आप जाएंगे डायरेक्टली यू पे बिकॉज ओ एस तो फिक्स हो चुके हैं। सो यू, अब यू आपको चाहिए, यस वी नीड यू, मतलब एस ओ यू फिक्स हो गया, सो वी हैव टू गो फर्दर। तो वापस से ये तो आपका, अरे ए आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं जब तक नहीं आएगा तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना, लेकिन जब तक ए नहीं आ जाएगा वो हर बारी पहली बार में टपकना ही है। जब आप छोटे होंगे नॉर्मली हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि जब नॉर्मली सारे लड़के इकट्ठा होके क्रिकेट खेलते हैं तो 10-12 लड़कों में कोई एक लड़का ऐसा होता ही है हमेशा कि जो हर बारी बैट लेके चला ही जाता है, मैं बैटिंग करूं, हर बारी
वैसे उसको बैटिंग नहीं आती, बॉलिंग नहीं आती, लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो सचिन तेंदुलकर है, धोनी है, कोहली है। तो हर बारी जैसे ही कुछ स्टार्ट होगा खेलने का, मैं बैटिंग कर लूँ, मैं बैटिंग में जाऊँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो उसी तरीके से जब तक एक का टर्न नहीं आएगा और हर बारी जितने प्लेयर्स आउट होके आते जाएंगे ना, अब मैं जाऊं, तो ऐसा एका है, जब तक उसका टर्न नहीं आएगा वो हर बारी मैं जाऊं, मियाऊ, नहीं, यू डोंट आउट, आपको नहीं जाना है। कब तक? जब तक आपका प्रसाइज लेटर वहां पे नहीं आ जाता, मतलब वी डोंट नीड ए, तो छोड़ दीजिए। तो अगर हमने यहाँ से सम छोड़ा, बचे दो, सो इट इज 2p2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इटसेल्फ। अब एस ओ यू फिक्स्ड है हमारा, ए नहीं चाहिए, तो कौन आएगा? एम, एंड वी नीड एम, एम है हमारे फोर्थ प्लेस पे। तो अब वापस से ये नहीं चाहिए हमें, मतलब वापस से हमें ये सम छोड़ देना पड़ेगा, एक ही लेटर बचा, 1p1, 1 फैक्टोरियल इज 1, सो फाइनली एस ओ यू एम फिक्स, ए के बदले वाई, एंड इफ वाई हैज बीन फिक्स तो आ जाना है ए, सो दिस इज ओनली 1 वर्ड। ठीक है, तो इसके पहले टोटल कितने वर्ड्स बन गए? तो ये था 120, फिर हो गया 240 एडिंग देम, सो दिस इज 360 एडिंग दिस, देन 24, सो इट इज 384 एडिंग दिस, 384, सो अगर मैंने 24 ऐड कर लिया, 24 ऐड करने से कितना हो गया, इट इज 418। ठीक है, फिर एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 4 एंड 4 सो 88, 88 एंड 20, यस इट इज, नहीं 408, 384, 384 प्लस 24, सो इट इज 408। ठीक है, प्लस आ गया आपका 6, 414 वापस आ गया 6, अरे ये तो बहुत ही 420, नाम ही देख के लगता है कि कुछ 420 जैसा ही बंदा होगा, देखते हैं क्या होता है। 420 एंड 2, सो इट इज 422, दिस इज 423 एंड दिस इज द लास्ट 424th word is Saumya। ठीक है, अगर आपको ये सवाल पूछा हो, normally किस type के सवाल पूछते हैं कि how many total words are possible with 6 letters, 720। ठीक है, फिर ऐसा पूछा हो कि before Saumya how many words can be possible, 423। फिर आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि what will be the dictionary order of Saumya, 424। ठीक है, कुछ भी पूछे, यही सेम मेथड आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं आपको एक दो वर्ड्स दे देती हूँ जो आप अपने हिसाब से ट्राई करिएगा, कि अगर आपको पूछा हो हॉस्पिटल, केमिस्ट्री एंड लॉगरिथम, ये वर्ड्स अगर आ गए भाई आपको, ठीक है, तो फिर तो गंगा नहा लिए, ऐसा समझ लीजिए कि भाई किसी के बाप की औकात नहीं कि आपको कोई भी सम दे दे और आपको ये सम ना समझ में आए। ठीक है, अगर ये तीनों वर्ड्स आपने सही से बना लिए, तो पहले क्या करना है, कितने लेटर्स है वो काउंट करना है, उसके हिसाब से फैक्टोरियल आना है। जैसे कि हॉस्पिटल, तो H O S P I T A L, 8 लेटर्स, तो टोटल वर्ड्स बनने हैं 8 फैक्टोरियल मतलब 40320, मतलब 40,320 वर्ड्स। उसमें से व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ हॉस्पिटल, जैसे हमने यहाँ पे करा ऑर्डर ऑफ सौम्य। ठीक है, सेम सम नहीं, सेम नहीं, कोई और लेते हैं, जैसे कि चलिए अब मैंने ले लिया जयदीप। ठीक है, नॉर्मली जयदीप में डी डबल ई पी होता है, जैसा बंदा वैसा नाम। ठीक है, कोई होता है जिसको बहुत ही ऐसा गुरूर होता है कि भैया अपना नाम तो बहुत अच्छा है, तो डबल ई लिखते हैं, क्या डबल ई लिखने का, आई लिख दिया। ठीक है, तो अब ये जो जय में डिप कर रहा है, ये जय में डिप करने से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर्स मतलब 6 लेटर्स, 6 places, मुझे ये एक्चुअली नाम जरा भी पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, सो दिस इज 6p6 इज 6 फैक्टोरियल, 720 वर्ड्स।
अब यहाँ पे जैसे कि ये सम था कि हमने ये फाइंड करा कि सौम्य नाम था तो वो खुद कौन से नंबर का है। अब यहाँ पे मैं कुछ और पूछ रही हूं आपको, फाइंड 500th वर्ड, मतलब आउट ऑफ 720 मुझे चाहिए कि 500वें नंबर पे कौन सा वर्ड बन रहा है, मीनिंग विदाउट मीनिंग इट्स ओके, जो भी बने वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कि डिक्शनरी ऑर्डर अगर हम लिख ले, सो फॉर द डिक्शनरी ऑर्डर विच इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें स्टार्ट करना है ऑब्वियसली ए से। अब ए से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 letters, 5 places, 5P5, मतलब मुझे पता है कि सिर्फ 120 words बन रहे हैं, मुझे कौन सा चाहिए 500, मतलब 500वां word चाहिए। यहाँ पे कितने बन रहे हैं भाई, यहाँ पे बन रहे हैं 120, तो वो मेरे काम के हैं नहीं, मुझे तो 500वां word चाहिए 500, मतलब जब तक हमारे calculation में 500 नहीं आएगा हम आगे नहीं जाएंगे। So moving with next, A नहीं चाहिए, so 1 2 3 4 5, इसमें वापस से 5P5, मुझे यहाँ पे भी पता है कि 5 factorial is 120. So now we have reached till 240, मतलब जब तक हमारी कैलकुलेशन में 500 काउंट नहीं होगा हमें सेकेंड प्लेस पे जाना ही नहीं है। फिर I 1 2 3 4 5, which is 5P5, 5 factorial 120, so this is 360, मतलब अभी भी नहीं। J आया तो 1 2 3 4 5, 5P5, अगेन 5 factorial, तो अब हो जाना है 480, मतलब अब हम थोड़े नज़दीक है। अब मैंने ले लिया जैसे कि P, तो वापस से 120, तो 600 हो जाना है, 480 एंड 120 तो 600, मतलब P is fixed because उसमें आ रहा है आंसर, ठीक है। तो उसी हिसाब से अब मैंने सेकेंड लेटर के लिए सोचा, हमें नंबर चाहिए था, नंबर आ रहा है हमारी कैलकुलेशन में, तो उसके बाद I'll start again with A. तो अगर A से स्टार्ट करा, बचे कितने, 4, 4 letters, 4 places, 4P4, which is 24. 24 and 480 would be greater than 500, 504 होगा, मतलब A वाले वर्ड में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद D, ठीक है। तो अब डी अगर यहाँ पे बन रहा है तो डी के हिसाब से 1 2 3 3 factorial 6, तो वो हो जाना है 486, मेरे आंसर में नहीं आ रहा है मतलब हमने छोड़ दिया। फिर पी ए डी के बदले आई, तो वापस से आ जाना है 3P3, 3 factorial 6, विच इज 492, 6 ऐड करते गए। फिर आएगा पी ए जे, आई नहीं हो रहा है तो जे, सो 1 2 3, सो विच इज अगेन 3P3, विच इज 3 factorial, सो नाउ दिस इज बहुत ही नज़दीक, किश्तों किश्तों में बट गई है जिंदगी। ये सम्स में, इस टाइप के सम्स में जहाँ पे आपको नंबर दिया गया हो, आपको लास्ट में तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप बैंक से लोन लिया और किश्तें भर रहे हैं, और आखिरी जब किश्तें होती है ना बहुत ही खींच 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 के चलते हैं, बस एग्जैक्टली वही यहाँ पे हो रहा है। क्या होगा, 480 तक तो धड़ाधड़ पहुंच गए, लेकिन अब 486, 492, 498, होल्ड इट डाउन, पी ए जे हमें नहीं चाहिए, सो पी ए जे के बाद आना है वाई। अब अगर मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा तो बढ़ जाना है, मतलब वाई फिक्स। तो उसके बाद डी अगर मैंने लिखा, ऑर्डर वाइज तो डी आ रहा है, तो डी के बाद 2 आ जाने हैं, so this is 2P2, which is 2 factorial 2, मतलब 500 हो गया, मतलब इसी में मुझे जाना था आगे। तो अब 500 के लिए बचे कौन कौन है, I and J, D तो fix हो गया, so अगर मैंने I J order लिखा होता तो ये 499th होता, और अगर J I लिखा होता, मतलब आगे के P A Y D fix, IJ लिखा होता फर्स्ट ऑर्डर तो वो 499, एंड PAYD G, सो ये हो जाना है आपका 500th वर्ड।
मतलब दो टाइप के सम्स होते हैं कि एक तो आपको डिक्शनरी ऑर्डर फाइंड करना है या फिर उन लोगों ने ऑर्डर दिया है और आपको वर्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी भी हमारा रिपीटेड परम्यूटेशन तो बाकी ही है। अभी हमने जो सम किए कि भाई नॉर्मल फॉर्मूला वाले सम किए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने किए ये कैलकुलेशन वाले सम, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर वाले सम। दो टाइप के सम होते हैं कि आपका खुद का जो वर्ड दिया है उसका नंबर कौन सा है या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर दिया है उसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, ठीक है। सो नॉर्मली ये दो टाइप के सम्स आपको पूछते हैं। जस्ट बी प्रिसाइज विद द एबीसीडी, आपको एबीसीडी आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार बहुत ही जल्दी से एबीसीडी रिवाइज कर लेते हैं। क्या था वो गाना? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स Y, Z, तुम भी कहो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, याद रखो। A, B, C, D बहुत जरूरी है। मतलब ये कि आप इतने से थे, नहीं इतने भी नहीं होंगे, इतने से थे तब आपने एबीसीडी सीखी थी, वो आप इतने हो गए फिर भी काम आनी है। जिंदगी में सीखा हुआ कुछ भी कभी भी बेकार नहीं जाता, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से करिएगा एबीसीडी और फैक्टोरियल में, बहुत ध्यान से सम करिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, बहुत ही मजेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, मजेदार है और साथ साथ ईजी भी है, ठीक है। सो मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छे वाले सम्स हैं। सो ये ऑब्वियसली अब आपको ये सब लिख के प्रिपेयर करना है, ना समझ में आए वीडियो में तो रिवाइंड करना है। वो जो सम्स मैंने लिखे हैं टेक्स्ट बुक में, ये कुछ भी नहीं है, मैंने सब एक्स्ट्रा करवाया है। तो ये ट्राई करिएगा आप, ठीक है। और कुछ भी ना समझ में आए तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रिपीटेड एंड सर्कुलर परम्यूटेशन के साथ, जो कि आज करना था पर कहाँ से शुरू करा था, लोग जुड़ते गए, महफिल बनती गई, कारवां चलता गया, तो उसी हिसाब से कोई और ही कंसेप्ट हो चला, कोई दिक्कत नहीं। हम भी यहाँ हैं, आप ही यहाँ हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद रिपीटेड परम्यूटेशन एंड सर्कुलर परम्यूटेशन। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर, बाय बाय, आओ जो